हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के थ्रू हम आपके साथ डेली कुछ ओपन वैकेंसी शेयर करते हैं स्कूल सेगमेंट में यूनिवर्सिटीज और कॉलेज सेगमेंट में तो आज हमारे पास तीन अलग अलग स्कूल्स में वैकेंसीज हैं काफी सारे टीचर्स की जहां पे रिक्वायरमेंट्स है जो रिक्वायरमेंट्स है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में है और अलग अलग लेवल पे है मतलब स्कूल्स को पीजीटीज चाहिए टीजीटीज चाहिए और पीआरटी भी चाहिए साथ ही कुछ नॉन एकेडमिक पोजीशंस भी अवेलेबल हैं, क्योंकि ये तीन अलग अलग स्कूल्स में हैं, इसलिए तीन अलग अलग सिटीज में है तीन अलग अलग शहरों में है तो इस सारी वैकेंसीज़ को समझने के लिए आप इसको एंड तक देखिए शायद आपके लिए जो रेलिवेंट है वो वो सबसे एंड में भी हो सकता है साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब करें आपके वीडियो के नीचे राइट हैंड साइड में सब्सक्राइब बटन है और बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे तो ये वैकेंसीज के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेंगे जिससे आप अपडेटेड रहेंगे उसके बारे में चलिए देखते हैं वैकेंसीज कहाँ पे हैं और ये जितनी भी वैकेंसीज हम आपको दिखाते हैं वो हम डायरेक्ट आपको स्कूल की वेबसाइट पर दिखाते हैं अगर स्कूल की वेबसाइट पर वैकेंसीज है तभी हम उसको वीडियो के अंदर ऐड करते हैं तो ये पहली जो वैकेंसी है ये नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी है इसमें स्पोर्ट्स कोच चाहिए उनको बास्केटबॉल लॉन टेनिस और फुटबॉल के लिए साथ ही टी की रिक्वायरमेंट है हिंदी और इंग्लिश में और आपको कम से कम तीन साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट भी आप हो सकते हैं उसके अलावा पीजीटी चाहिए उनको मैथ्स में और पॉलिटिकल साइंस में उसके अलावा एक ड्रामा टीचर की रिक्वायरमेंट है और एक फ्रेंच लैंग्वेज टीचर की भी रिक्वायरमेंट है जो क्वालिफिकेशन है वो सभी के लिए आपको तीन साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पीजीटी के लिए आपको पीजी होना चाहिए और साथ में बीएड जबकि टीजीटी के लिए अगर आप ग्रेजुएट भी हैं प्लस साथ में बीएड की रिक्वायरमेंट्स है फ्रेंच टीचर के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट या एडवांस डिप्लोमा इन फ्रेंच चाहिए अप्लाई करने के लिए उसके अलावा पीआरटी की भी रिक्वायरमेंट है जनरल कैटेगरी में मतलब मोस्टली सब्जेक्ट को आप पढ़ा सकते हैं इसके लिए भी क्वालिफिकेशन ये है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ में बीएड, बीएलएड या ईटीटी आपने क्लियर करा होना चाहिए तो ये एम इंटरनेशनल स्कूल है ग्वालियर में ग्वालियर में ये स्कूल है उनकी वेबसाइट पर आप जाइए जिस भी वैकेंसी के लिए आप क्वालिफाई करते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं उसके नीचे वाले अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करिए एक पेज ओपन होगा वहां पे आपने आपकी डिटेल्स डालनी है और सबमिट कर देना है कोई भी ऑफलाइन इसमें एप्लीकेशन नहीं है, है। तो ये हुआ, School, अब मैं दूसरी आपको दिखाता हूँ जो कि जो कि एमटी के ही एक दूसरे स्कूल में है और ये है एम इंटरनेशनल स्कूल लखनऊ में लखनऊ में विराज खंड में ये स्कूल है और उनकी वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको एक तो उनको स्पेशल एजुकेटर की रिक्वायरमेंट है आपको दो से तीन साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए साथ ही बी इन स्पेशल एजुकेशन आपने होना चाहिए उसके अलावा उनको पीजीटी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में जो कि स्पोर्ट्स टीचर के तौर पे काम करेंगे कम से कम दो साल का एक्सपीरियंस आपको सीबीएसई स्कूल में होना चाहिए आप ये रिज्यूमे भी भेज सकते हैं वहां ईमेल आईडी पे प्रिंसिपल के या फिर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं तीसरी जो वैकेंसी है वो पीजीटी अकाउंटेंसी के लिए है इसमें दो साल का एक्सपीरियंस आपने चाहिए सीबीएसई स्कूल में और इसके लिए भी आप अप्लाई नाउ में जाके अप्लाई कर सकते हैं तो ये वैकेंसीज एम इंटरनेशनल स्कूल लखनऊ में है अब मैं तीसरे स्कूल में आपको बताता हूँ और ये तीसरी वैकेंसी भी एम इंटरनेशनल के ही एक स्कूल में है वहां पे भी उनको टी चाहिए हिंदी में इंग्लिश में फिर पीजीटी चाहिए मैथ्स और पॉलिटिकल साइंस में ड्रामा टीचर उनको चाहिए फ्रेंच टीचर चाहिए और पी चाहिए जनरल है एम है टी इंटरनेशनल का ही और ये स्कूल जगदीशपुर में है। तो तीन अलग अलग जो एम इंटरनेशनल के स्कूल्स हैं, वहां पे रिक्वायरमेंट्स हैं। एम इंटरनेशनल स्कूल जगदीशपुर एम इंटरनेशनल स्कूल लखनऊ विराजखंड और एम इंटरनेशनल स्कूल ग्वालियर आप नहीं अगर अप्लाई करना है आप सीधा उनकी वेबसाइट पर जाके ही अप्लाई करें और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करें थैंक्स फॉर वॉचिंग हम फिर से आपके पास आएंगे कुछ और वैकेंसी शेयर करने के लिए